हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये देख रहे हैं कि हम टाइम टेबल को कैसे बना सकते हैं। टाइम टेबल बनाना एक इम्पोर्टेंट थिंग है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर वो एक अच्छा टाइम टेबल बना पाते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल को बना पाते हैं, तो उनकी स्टडीज़ बेटर होती हैं। टाइम टेबल बनाने के लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है कि हम एक रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है टाइम टेबल का, उसको हम यहाँ पर समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। वो हमारा माइंड साइकिल से रिलेटेड है। वो रूल है 30-50 प्रिंसिपल। यानी कि 30-50 प्रिंसिपल क्या होता है कि हम 30 मिनट तक हार्ड टॉपिक पढ़ते हैं या हार्ड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी हमें टफ लगता है 30 मिनट तक हम पढ़ते हैं। हमारा माइंड एक्चुअली क्या है, इस तरह से एक प्रोग्राम्ड है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम लगातार कुछ हार्ड टॉपिक्स को पढ़ें तो वो मेमोराइज करना या वो माइंड कैच करना या ऑब्जर्व करना बंद कर देता है। तो हम यहाँ फिर उसके बाद हम 10 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक लेंगे और फिर हम 50 मिनट तक इजी टॉपिक पढ़ेंगे या इजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम 90 मिनट्स को इस तरह का एक साइकिल 90 मिनट का हमारा होता है माइंड का। आपको मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दूंगा कि 90 मिनट साइकिल क्या रहता है। तो हमारा माइंड जो है वो इस तरह से डेढ़ डेढ़ घंटे के स्लॉट्स में काम करता है। तो हमने एक स्लॉट को इस तरह से 30-50 रूल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और हमारा टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग ही बनाया। अब हम ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना टाइम पढ़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट मान लीजिए 2 घंटे ही पढ़ना चाहता है, तो वो 90 मिनट का एक साइकिल बनाएगा और फिर 30 मिनट जो उसके रह गए उसमें एक हार्ड सब्जेक्ट बाद में ब्रेक लेके पढ़ सकता है। और हर 90 मिनट के साइकिल के बाद आपको एक ब्रेक लेना है, जिस ब्रेक के अंदर आपको अपना कुछ भी 15 मिनट का मिनिमम ब्रेक होना चाहिए आफ्टर 90 मिनट। उसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, अब आप अपने आप को मूवमेंट यानी कि वॉक वगैरह कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपना कुछ स्पोर्ट्स है, कुछ साइकिलिंग है या कुछ ऐसा है, कुछ भी कर सकते हैं। ये मिनिमम 15 मिनट का ब्रेक होगा हर 90 मिनट के बाद। तो इस तरह से आप टाइम टेबल को अपने स्लॉट्स के अंदर छोड़ेंगे, जिसमें आपको कोई मोबाइल पे अगर बात करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हैं वो देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। ये सब हम 90 मिनट ब्रेक के बाद करेंगे। और जो बीच में जो छोटा ब्रेक मैंने आपको बताया था, एक 10 मिनट का जो ब्रेक मैंने आपको बताया कि 10 मिनट का जो ब्रेक होता है, दिस वन, ये 10 मिनट जो ब्रेक है, इस ब्रेक के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि हमारा बाद में टाइम और ज़्यादा कंज्यूम करे। यानी हम 10 ही मिनट्स में इस ब्रेक को ख़त्म करेंगे और वापस से हम अपने टाइम टेबल पे आएंगे। तो आप टाइम टेबल इस तरह से बनाएं, आप कितने आवर स्टडी करना चाहते हैं आप पे डिपेंड है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट 4 आवर स्टडी करना चाहता है तो उसके डेढ़ डेढ़ घंटे के तो 3-2 स्लॉट हुए और फिर 1 घंटा रहा लास्ट के अंदर, वो उसके अंदर हाफ एन आवर का एक हार्ड टॉपिक और हाफ एन आवर का एक ईजी टॉपिक पढ़ सकता है। तो इस तरह से आप अपना टाइम टेबल मैनेज करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें याद नहीं होता है, हम भूलते हैं, अगर हम चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी चीज़ है उसको हम मेमोराइज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी में से वो चीज़ याद करने के बाद भी निकल गई है या नहीं याद रह रही है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए पहले फर्स्ट रूल है, आप लिख लिख के याद करें। एक दिन में कम कंटेंट का टारगेट करें। 4:1 रूल फॉलो करें। रूल ऑफ 3 फॉलो करें। मल्टीटास्किंग ना करें और ग्रुप स्टडी ना करें। अभी हम थोड़ा इसको इन एक एक टॉपिक्स को समझते हैं क्या है। तो फर्स्ट है लिख लिख के याद करें। हमें जो भी चीज़ हम लिख के याद करते हैं हमें वो 70% तक याद होती है। अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं किताब से, बुक से, तो हमें 10% तक माइंड में ही जा पाता है, जनरल एक बात करें तो। और अगर हम लिख के याद करते हैं तो हमारे को 70% तक वो बात जनरल माइंड में जाती है। ये सबका वैसे अलग अलग माइंड का अपना अपना सिस्टम है, लेकिन एक जनरली एक ऐसा होता है। और हम सेकंड, हम एक दिन में कम कंटेंट करेंगे। इसका क्या मतलब है कम कंटेंट करेंगे टारगेट? इसका मतलब क्या है कि हम
यानी कि जो भी हम पढ़ना चाहते हैं जितने भी, जैसे मान लीजिए आप एक दिन के अंदर मान लीजिए 3 चैप्टर करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप 2 ही चैप्टर याद करें, है ना। एक दिन में आप मान लो कि आपने टारगेट बनाया कि 20 पेजेस याद करेंगे, तो आप 15 ही याद कीजिए, लेकिन आप उसको याद अच्छे से करें, लिख लिख के करें, ठीक है। तो सेकंड आप ये फॉलो करेंगे। थर्ड, इसके अंदर जो आपको मैं इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप अगर अपने माइंड को, हम प्रोग्राम, हमारा माइंड जो है वो एक प्रोग्राम सिस्टम से चलता है, अगर हम उस प्रोग्राम सिस्टम को समझ जाएं तो हम बहुत इजीली कुछ भी याद कर सकते हैं। वो ये है कि हम अपने जो हमारा टाइम टेबल है उसको 4:1 रूल में तोड़ेंगे, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि 4 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो हम 3 घंटे ही लर्न करेंगे और 1 घंटा हम उसी को रिवाइज करेंगे जो हमने पूरे दिन में 3 घंटे में पढ़ा है। तो इसको हम, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है ये, जिन लोगों को याद कम रहता है, याद कम होता है, जिनकी ये शिकायत है, उनके लिए बेस्ट है कि आप 4:1 में तोड़ लीजिए अपने दिन को। तो जैसे 4 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे लर्न करें और 1 आवर आप क्या करेंगे उसको रिवाइज करेंगे। एक है रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री क्या बोलते हैं? रूल ऑफ थ्री बोलते हैं कि आज जो आपने पढ़ा है, आज जो आपने लर्न किया है, उसको आप थर्ड डे, यानी कि थर्ड डे आप डेफिनेटली उसको रिवाइज करें, उसको आप जरूर पढ़ें। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट रूल है, इससे भी आप चीज़ों को धीरे धीरे मेमोराइज करने, यानी वो रिपीट हो जाएंगी, थोड़ा सा वो रिपीटेशन में आ जाएगा और धीरे धीरे वो आपका रिवीजन कम टाइम भी लेने लगेगा। तो आप थर्ड डे उसको रिवाइज जरूर करें, चेक जरूर करें कि हमने जो याद किया था आज से 2 दिन पहले वो हमें कितना याद है। तो इसको हम रूल ऑफ थ्री बोलते हैं। एक हम ये करेंगे इसके अंदर कि हम मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे, यानी मल्टीटास्किंग का मतलब है कि कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट तो हम साथ में कुछ सॉन्ग भी सुन सकते हैं या टीवी भी देख सकते हैं या फिर इस टाइम पर हम कुछ और भी साथ में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है आपको, मल्टीटास्किंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के टाइम पर ओनली आपको कंसंट्रेट पढ़ाई पर ही करना है। एक, आपको ग्रुप स्टडी से बचना है। ग्रुप स्टडी का मतलब ये है कि एक्चुअली जिनका कंसंट्रेशन कम है उन्हीं को याद कम होता है, और ग्रुप स्टडी से आपको बचना है, यानी आपको ग्रुप्स में नहीं पढ़ना है, आपको एक साथ सब स्टूडेंट्स के बीच में बैठ के नहीं पढ़ना है, तो ग्रुप स्टडी से आपको बचना है। ये कुछ बातें हैं, कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको जनरली बताए, ये आपको बेनिफिट करेंगे। एक आगे हम बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर कि आप अगर अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, मोटिवेट होकर कभी ना पढ़ें। यानी कि आप अगर किसी के मोटिवेशन से पढ़ते हैं, किसी की बात सुन के पढ़ते हैं या कोई लेक्चर सुन के पढ़ते हैं या फिर मेरी आज वीडियो देख के आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक रियलिस्टिक विज़न नहीं है। आप मोटिवेट होकर कभी ना पढ़ें। आप मोटिवेट हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से मोटिवेशन आपको मिल सकता है, लेकिन उस मोटिवेशन के साथ साथ अपना, आपका एक रियलिस्टिक विज़न आप डेवलप करें। रियलिस्टिक विज़न ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, इम्पोर्टेंट है स्टडीज़ के लिए तो खास करके, कि हम एक रियलिस्टिक विज़न बनाएंगे। अगर हम मोटिवेट होकर पढ़ेंगे तो कुछ टाइम तक तो ज़रूर, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, आप में जोश रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आप एक लेटे हुए पर्सन की तरह, जो कि हैं सुस्त होके पढ़ जाएंगे, उस तरह से हो जाएगा। तो आप रियलिस्टिक विज़न से पढ़ें, रियलिस्टिक विज़न अपना डेवलप करें, यानी अपना एक विज़न देखें। आपका विज़न कुछ भी हो सकता है, बड़ा विज़न भी हो सकता है और छोटा विज़न भी हो सकता है, आपके विज़न किसी भी तरह का हो सकता है। विज़न के अंदर आप देखिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। यानी एक ये भी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी कैपेबिलिटी को समझते नहीं हैं कि हमारी कैपेबिलिटी इस बड़े बॉय की तरह है या इस छोटे बॉय की तरह है। यानी कि हम अपनी कैपेबिलिटी 80% वाली रखें या हमारी 70% की कैपेबिलिटी है। अगर हम 80% की कैपेसिटी रखते हैं तो ही हम हमारा विज़न 80% का बनाएं। अगर हमारी कैपेबिलिटी 70% की है और हमने 80% का विज़न बनाया, तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हमारे को पढ़ाई जो है करना और भी टफ हो जाएगा। तो रियलिस्टिक विज़न से आप पढ़ें, अपना विज़न जो है बड़ा क्लियर और रियलिस्टिक बनाएं, ओके। और सेल्फ टेस्ट करें। सेल्फ टेस्ट क्या है, बड़ा एक इम्पोर्टेंट फिनोमेना है ये। एक्चुअली पढ़ाई की जो लड़ाई है वो इंसान की खुद से ही है, खुद की लड़ाई खुद से ही है, और हम अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना है, और सेल्फ टेस्ट में खुद को ही हराना होता है इसमें।
दिन प्रतिदिन डे बाय डे हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, हम अपना सेल्फ टेस्ट लेते हैं, हम आपको अपने आप को चेक करते हैं और हम अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट लाते हैं, अपने आप को ही इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आप सेल्फ टेस्ट करें, अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ टेस्ट के लिए आप जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए चैप्टर आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा और उसके बाद आप देखना चाह रहे हो कि आपको उसमें से कितना आता है, तो आप उसके कोई भी क्वेश्चंस मन में सोच लीजिए कि मैं इसके पीछे क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा है लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 9 और 11, ये 4 क्वेश्चन मैं अभी करके देखूंगा। वो क्वेश्चन कुछ भी निकल सकते हैं, आपने तो जनरली एक नंबर सोच लिया है, तो आप उस क्वेश्चन को देखिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उन क्वेश्चन के आंसर्स को मैच करके देखिए। ये सेल्फ टेस्ट होता है। इस तरह से आपको सेल्फ टेस्ट अपने आप को करते रहना है। आप एक मान के चलिए कि जितने भी लोग एजुकेशन लाइन में कामयाब होते हैं वो अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, अकेले पढ़ते हैं, अकेले अपने आप को टेस्ट करते हैं, सब डेवलपमेंट अकेले करते हैं। जो ग्रुप में करना चाहते हैं या जो लोग बाग किसी पे डिपेंड होकर काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इस हाइट पर इस एजुकेशन लाइन में नहीं आ पाते हैं, या किसी भी लाइन में मैं तो कहता हूँ अपने आप पे जो भरोसा रखते हैं, अपने आप पे जो इंडिविजुअल अपना एफर्ट्स को लगाना जानते हैं, सीख चुके हैं, वो डेफिनेटली ज़्यादा कामयाब रहते हैं। तो आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट, एक बड़ा अच्छा मेथड है, सेल्फ टेस्ट आप अपने आप को करते रहें और सेल्फ टेस्ट के थ्रू आप बेटर ऑप्शंस में, बेटर रिजल्ट्स में जा सकते हैं। तो सेल्फ टेस्ट की हमने बात की, सेल्फ टेस्ट में आपकी लड़ाई खुद से ही है। तो ये सब हमने बात किया, मोटिवेट होके ना पड़े, अपना रियलिस्टिक विज़न बनाएं, रियलिस्टिक विज़न आपका रियल होना चाहिए और अपने आप को सेल्फ टेस्ट करते रहें। तो आई थिंक आपको आज की वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां मिली होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 100 out of 100 के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, या बेस्ट मार्क्स लेने के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, NLP टेक्निक्स क्या होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग द चैनल, कीप वॉचिंग द वीडियो।